वहीं विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस की टीम में बड़ा बदलाव हो सकता है। संगठन में बड़े बदलावों का इशारा खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है। दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भूपेश बघेल की मुलाकात हुई थी, जिसमें छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन में बदलाव को लेकर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को रायपुर लौटते ही एयरपोर्ट पर कहा कि संगठन में फेरबदल होने जा रहा है। इस पर विस्तार से चर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष से हुई है। प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व से बदलाव होने की संभावना है। माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले संगठन में कई तरह के बदलाव किए जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम का कार्यकाल भी जल्द समाप्त होने वाला है। आज हमारे एनएसयूआई के अध्यक्ष की शादी है, एनएसयूआई के अध्यक्ष की नीरज पांडे जी की, अंबिका भी जा रही है साथ में, और उसके बाद एक सामाजिक सम्मेलन मेरे क्षेत्र में, और आज शादियां भी खूब है तो उसमें भी अटेंड करना है। कल प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई, और एक तो जनगणना जिसके कारण से जो लोगों को सहायता मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा, दूसरा आरक्षण के मामला है। यदि आरक्षण होगा, हमारे कहीं संख्या बढ़ी तो उसके आधार पे आरक्षण का लाभ मिलेगा, तो ये महत्वपूर्ण विषय था। और दो तीन तो पुराने विषय थे GST को लेकर, दूसरा जो कोयला का मामला है, एक नया मुद्दा जो बजट में हम लोग शामिल किए हैं, दुर्ग से रायपुर दुर्ग मेट्रो के लिए, तो उसके लिए भी मैंने अनुरोध किया है कि हमको मिले। 21 तारीख को एक बड़ी योजना का शुभारंभ करने वाले हैं, बड़ा बजट भी रखे हैं 100 करोड़ का, क्या फ़ायदा होगा इससे छत्तीसगढ़? वृक्ष संपदा योजना है जिसके माध्यम से जो जो धान के अलावा दूसरा खेती करना चाहते हैं उसको हम बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे मिलेट्स हमने बढ़ावा दिया, उसी प्रकार से वृक्षारोपण को भी बढ़ावा देना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में भी यदि वृक्षारोपण करते हैं तो वृक्ष संपदा योजना 21 तारीख से हम उसकी शुरुआत कर रहे हैं, उसका बड़ा कार्यक्रम है, वो लॉन्च करेंगे और डिटेल में फिर उस दिन बात होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी मुलाकात हुई है, एक इशारा भी आपने किया कि संगठन में भी कुछ बदलाव हो। भाई यहाँ पास हुआ है, देखिए अध्यक्ष चुनाव के बाद जितने भी कमेटियाँ हैं जो CWC है वो समाप्त हो गया, उसके जगह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्टेयरिंग कमेटी बनाई जिसमें हम लोग भी विशेष आमंत्रित के तौर पर हैं। तो यहाँ जो रायपुर राष्ट्रीय महाधिवेशन हुआ उसमें चुनाव होना था और सभी सदस्यों ने ये कहा कि इसको अध्यक्ष को ये अधिकार दे दिया जाना चाहिए, तो वो अधिकार अभी अध्यक्ष के पास है, तो निकट भविष्य में उसमें CWC के मेंबर के सिलेक्शन होने हैं, उसमें अनुसूचित जाति है, जनजाति है, पिछड़े वर्ग है, अल्पसंख्यक है, महिला है, नौजवान है, इन सब का समावेश होगा। तो उस मामले में मैंने ही अध्यक्ष जी से निवेदन किया कि इसको कब तक कर लेंगे, तो संगठन में तो होना है, अब उसके बाद फिर महामंत्री की नियुक्ति होनी है, सारी नियुक्तियाँ अभी दिल्ली स्तर पर, फिर उसके बाद फिर धीरे से भी प्रदेशों में भी जाएगा, तो वो चर्चा अध्यक्ष जी से मैंने की। सर, बीजेपी ने दिल्ली से टीम भेजी है, यहाँ पर बीजेपी ने दिल्ली से टीम भेजी है, हर विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशियों का सर्वे करा रहे हैं। वो तो सीधी सी बात मैं पहले ही बोल रहा था, ये जो 14 बचे हैं वो किसी टिकट पक्का नहीं है, है ना। वो मैंने अजय चंद्राकर भी मोहन जी कहा आप जबरदस्ती अपने नंबर बढ़ाने के लिए अपना गला खराब करते हैं, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना है, टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी भी गारंटी नहीं है। सीएम साहब, आप भी प्रधानमंत्री जी से बड़ा फ्रीक्वेंटली मिल ले रहे हैं घंटे के टाइम में, और बीजेपी भी बड़ा फ्रेंडली कर रहे हैं इसको, इसकी भी चर्चा बहुत हो रही है। क्या चीज? आप भी प्रधानमंत्री जी से बहुत फ्रीक्वेंटली मिल ले रहे हैं। हाँ हाँ, इसकी भी चर्चा बहुत है कि भाई प्रधानमंत्री जी और भूपेश बघेल जी की नजदीकियाँ बढ़ रही। भाई प्रधानमंत्री हम सबके हैं और प्रदेश के हित में उससे मुलाकात करना भी जरूरी है, मांग भी करना है, और मांग पूरी नहीं होती तो फिर लड़ना भी जरूरी है, क्योंकि प्रदेश का हित का मामला है, कि व्यक्तिगत लड़ाई था ही नहीं। और जिन मुद्दों को लेकर बात होती है तो प्रधानमंत्री जी समय देते हैं तो अच्छी बात है, और हम अपनी बात रख पा रहे हैं। यदि कोई बात उसको चर्चा में करते हैं, पेपर देते हैं, आवेदन देते हैं, कहीं कहीं दिमाग में तो रहता है, जब उस समय निर्णय करने की स्थिति आती है तो फिर उसमें हमारे छत्तीसगढ़ के भी नंबर कुछ आ जाए, इसलिए हम
बार बार निवेदन करते हैं। सर आपने कहा प्रधानमंत्री जी सबके, अभी रिसेंटली सर गुजरात असेंबली में एक संकल्प पारित हुआ जिसमें बीबीसी के खिलाफ, बीबीसी के खिलाफ उन्होंने एक संकल्प पारित किया है और बोला है कि इन्होंने अपनी डॉक्यूमेंट्री के थ्रू प्रधानमंत्री जी का इंसल्ट किया। देखिए डॉक्यूमेंट्री है उसमें चैलेंज किया जाना चाहिए, यदि गलत है तो उसके तरीके हैं, उसके माध्यम से जा सकते हैं, लेकिन आप उसको बेन लगा देंगे, उसके यहाँ छापा डाल देंगे, डराने का काम करेंगे, तो ये उचित नहीं है ना। यदि गलत है तो उसे कार्रवाई होनी चाहिए, प्रस्ताव पारित करने से क्या होता है, उसमें कार्रवाई होना चाहिए, गलत है तो, और नहीं है तो फिर स्वीकार करना चाहिए। ये जनगणना का आपने जो मुद्दा उठाया पूरे देश के लिए, तो कोई ऐसा भरोसा नहीं है कि इस बात पे जनगणना होगा या कुछ? अब देखिए ऐसा है कि मैंने अपनी बात कही, अब मैं कोई धरने में तो बैठा नहीं था कि आप जवाब दो, मैं जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री की बात ही नहीं कर सकता, मैं आवेदन ही कर सकता हूँ, निवेदन कर सकता हूँ। ये परिस्थिति है छत्तीसगढ़ में, 40% से अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं और ये 12 साल बीत गया है और 12 साल में नए जो हितग्राही हैं उससे वो वंचित हो रहे हैं। अभी हम लोग जब जाते हैं लोग मिलते हैं तो बोले हमको ये लाभ नहीं मिल रहा है, हमको BPL वाला राशन कार्ड बनाओ, हमको आवाज़ दे दो, तो हमको और कुछ जो योजनाएं हैं शासकीय योजनाएं उसका लाभ हमको नहीं मिल पा रहा है, हम भी गरीब हैं। तो जब तक कि सर्वे नहीं होगा, क्योंकि हम 2011 के हिसाब से चल रहे हैं, और दूसरी बात हमारे जैसे अनुसूचित जाति के भाई हैं वो हमेशा लगातार मांग कर रहे हैं कि हमारे जनसंख्या अधिक है, हमको कम आरक्षण मिला, तो जनगणना हो जाएगा तो यदि ज़्यादा संख्या में आएगी तो बढ़े हुए हिसाब से उनको मिलेगा, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए हक, तो जनगणना ही मुख्य आधार है, चाहे जितने शासकीय योजना का हो चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो, वो जनगणना से ही उसका समाधान निकलेगा। और इसलिए मैंने बार बार निवेदन किया है और यहाँ भी राष्ट्रीय महाधिवेशन जब रायपुर में हुआ तो उसमें भी कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया जनगणना होना चाहिए, मेरा ही प्रस्ताव था और मैंने प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट किया। ठीक है, थैंक यू।